बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको मालूम है कि कल हमने अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट एरिया का आगाज़ किया था, फाइनेंस, जिसके अंदर हमने कुछ बुनियादी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया था, कुछ बुनियादी बातों को समझने की कोशिश की थी, जिसमें से सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट हमने लिया टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि मनी कैन अर्न और विद द पैसेज ऑफ टाइम मनी बगैर रिस्क लिए हुए अर्न करती चली जाती है ड्यू टू इट्स पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी। जो आज की अमाउंट है और जो सेम अमाउंट फ्यूचर में है, ये आपस में बराबर नहीं है। आज की अमाउंट उसकी वर्थ ज़्यादा है। ये ओवरऑल फाइनेंस का एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है जिसको हम फोकस करते हुए आगे चलेंगे। यहीं पे हमने कहा कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, और इसके कॉन्सेप्ट को हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया। फिर हमने कुछ बुनियादी डेफिनेशंस को लिया था, बॉरोवर कौन है जो शख्स मनी बोरो कर रहा है, लेंडर कौन है जो शख्स मनी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि मनी की टर्म में बात हो रही है तो बोरोवर एंड लेंडर को हमने एक्सप्लेन किया था। फिर हमने टाइम लाइन को डिफाइन किया था कि ये एक इंटीजर लाइन है जिसके ऊपर कंसेप्चुअली 1, 2, 3 का क्या मतलब है, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड माइट बी ईयर्स, क्वार्टर, मंथ, कुछ भी हो सकते हैं। फिर हमने इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को डिफाइन किया, और फिर हम इस फार्मूला तक असल में कल पहुंच गए थे कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRN। किसी एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में अगर आप किसी जगह से पैसे बोरो करके इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए हमने क्या लफ्ज बोला था, पैसे का किराया, ठीक है ना, इंटरेस्ट पैसे का रेंट, पैसे का किराया, वो कितना बनेगा। मसलन अगर एक शख्स 5 लाख रुपया बोरो करता है किसी शख्स से किसी एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो अगले 2 साल के बाद उसने कितने पैसे पे करने हैं, या अगर 5 ईयर उसने मनी यूज़ किया है तो लमसम 5 ईयर का रेंट कितना बनेगा। ये फार्मूला में क्या बता रहा है, लमसम 5 ईयर का रेंट। और अगर हमें इनमें से 1 साल का रेंट निकालना हो तो फिर हम एन को 1 पुट कर देंगे, या आप कहिए कि एन को छोड़ दें, पी और आर को मल्टीप्लाई करें तो 1 साल का इंटरेस्ट निकल आएगा, एन जितने सालों का हमने निकालना है। और फिर हमने एक बड़ी अहम बात की थी, पहले इसको डिफाइन कर लिया था, इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, ये सब चीज़ें, और फिर हमने एक अहम तरीन बात की थी कि आर एंड एन मस्ट बी इन सेम टर्म। अच्छा, अब अगर मैं इसको मैथमेटिकली देखूं तो ये एक इक्वेशन है, ये एक फार्मूला है जिसके अंदर कितने वेरिएबल्स अटैच हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, और ये एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि इस इक्वेशन में 4 डिफरेंट वेरिएबल्स लिंक हो रहे हैं, तो ये 4 वेरिएबल्स जो हैं अगर ये आपस में लिंक हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 4 वेरिएबल्स की मदद से हम जो है चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। इन 4 में से कोई एक अननोन होगा तो कैलकुलेट हो जाएगा, मसलन अगर पी नोन है, आर नोन है, एन नोन है तो आई कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन अगर आई नोन है, आर नोन है, एन नोन है तो पी कैलकुलेट हो जाएगा। कोई एक मिसिंग वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बुनियादी इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे जहनों में है, हम इसको यहाँ पर क्वेश्चंस में बिल्ट भी कर लेंगे अभी। अच्छा जी, फिर हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को टेकअप किया था और हम आगे चल रहे थे। आगे आते हैं एक दूसरा फॉर्मूला, फिर दोनों की मिलाकर आज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। देयर इज अनदर फॉर्मूला जिसमें लिखा हुआ फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू पी इंटू 1 प्लस आर एन। ये क्या बता रहा है, ये फार्मूला हमें बतला रहा है कि हमने एट द एंड ऑफ द टाइम टोटल पैसे कितने पे करने हैं। वो जो हम बात पहले कह रहे थे कि यार हमने उस शख्स की प्रेजेंट वैल्यू भी वापस करनी है, यानी जितना लोन लिया है वो भी वापस करना है, और जो इंटरेस्ट बन गया है वो अमाउंट भी हमने वापस करनी है ऑब्वियसली। सो जो टोटल अमाउंट हमने वापस करनी है, जो टोटल पैसा हमने वापस करना है, वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो इस फॉर्मूला की मदद से कैलकुलेट होगा। अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू,
जितने पैसे हमने वापस करने हैं, किराया भी वापस करना है और उसका असल जर भी वापस करना है, ओरिजिनल कैपिटल भी वापस करना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करनी है। ये दोनों चीज़ें हमने जो हैं ये उसके अंदर हमने लेकर चलनी है और इसको हम कैलकुलेट कर रहे होंगे यहाँ पर। नाउ सेकंड थिंग इज प्रिंसिपल, बाकी वही चीज़ें हैं, आर वही है, एन वही है, सिर्फ ये एक फैक्टर चेंज हुआ है, अब ये फ्यूचर वैल्यू है। पहले सिर्फ किराया निकल रहा था, अब टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो रही है। पहले सिर्फ किराया कैलकुलेट हो रहा था पी आर एन से, लेकिन अब पी इंटू वन प्लस आर एन, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, यहां भी वही उसूल, आर एंड एन मस्ट बी इन सेम टर्म, ये ऑलरेडी हम बड़ा तफसील से बात कर चुके हैं, अभी क्वेश्चन में हम इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालेंगे भी। ओके, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, पी वी प्लस पी आर एन, पी प्लस पी आर एन प्रिंसिपल, जो पैसे हमने बोरो किए थे वो वापस करने हैं, प्लस पी आर एन क्या था, इंटरेस्ट। तो वी कैन से फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जितने हमने उससे बोरो किए पैसे वो अमाउंट, जमा जितना उसका किराया बन गया, इंटरेस्ट बन गया, ये दोनों ऐड करके हम पे बैक करेंगे तो हमारा लोन जो है वो रिटायर हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। सो हमारे पास दो फॉर्मूलाज आ गए। हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली रीड करने की जरूरत है कि हम जरा केयरफुल रीडिंग के साथ पहले ये इस्टेब्लिश कर लें कि एग्जामिनर आपसे क्या मांग रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले आप ये इस्टेब्लिश कर लें कि एग्जामिनर आपसे क्या मांग रहा है, इंटरेस्ट मांग रहा है या टोटल अमाउंट जितने पैसे हमने पे करने हैं वो मांग रहा है, जिसको हम फ्यूचर वैल्यू भी कह देंगे। और लिखें अपने पास फ्यूचर वैल्यू, इसके ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, फ्यूचर वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू, ये दो तीन नाम एग्जामिनर यूज कर सकता है। फ्यूचर वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू। सो ये बिल्कुल वही बात बन गई जो हम कह रहे थे, इससे हमने समझा था शुरू में कि भाई हमने फ्यूचर में कितने पैसे वापस करने हैं, प्रेजेंट वैल्यू यानी जितनी मनी बारो की है वो, और जो उसका इंटरेस्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्रिएट हुआ है वो वापस करना है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो ये हमारे पास एक अनदर फार्मूला है जिसको हमें जहन नशीन करना है, कोई लंबा चौड़ा मुश्किल काम नहीं है। कोइंसिडेंस है कि इस फार्मूला में भी चार चीजें लिंक हो रही हैं, 1, 2, 3, 4। टू थ्री फोर, देर आर फोर वेरिएबल जो लिंक हुए हैं, वो ही कॉन्सेप्ट जरा उठाएं चैप्टर टू से। अब ये एक इक्वेशन बन गया, फॉर्मूला बन गया टू डिटरमिन एनीथिंग। चार चीजें हैं, कोई सी तीन गिवन हो तो हम फोर्थ वन कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है ना। चार चीजें हैं, कोई सी तीन गिवन हो हम फोर्थ वन कैलकुलेट कर देंगे, क्लियर हो गई बात। वो आर एंड एन मस्ट बी इन सेम टर्म, सब कुछ उसी तरह से ही है, सब कुछ ऐसे ही है। हम इसके ऊपर थोड़ा सा जरा प्रैक्टिस करके देखते हैं, क्वेश्चंस बेस देखते हैं। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन अ लोन ऑफ रुपीज 12,500 रिसीव्ड ऑन जनवरी एंड सेटल्ड एट द एंड ऑफ अप्रैल इफ द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन वॉज 12% पर एनम। गिवन क्वेश्चन में आज आप मेरे साथ सिर्फ इस लेक्चर में सिर्फ ये समझ जाए ना कि हमें क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, तो समझे हमारा आधा काम हो गया। इस टॉपिक का नहीं, इस पूरे सब्जेक्ट का हाफ ऑफ द वर्क डन हो गया। एमसीक्यूज पेपर में 50% इस चीज का रोल है कि आपने क्वेश्चन को ठीक रीड कर लिया है कि नहीं कर लिया। और अगर आपने हरी में टेंशन में जल्दी जल्दी पढ़ के बस सोचा बस मैं कर दूं, नहीं, जरा सी गलती होगी क्वेश्चन आपका आउट हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एक अच्छे
आंसर में एक अच्छा क्वेश्चन जब एग्जामिनर बनाएगा उसकी जो आंसर की ऑप्शंस होंगी आपके कॉमन मिस्टेक्स उसके अंदर लिखे हुए होंगे। आपको चांस नहीं मिलेगा कि आप अपनी गलती को ठीक कर लें। इसलिए बी केयरफुल, मैं अगेन कह रहा हूं बी केयरफुल। ओके, क्या करना है जी? What was the amount of interest charge? सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे क्या एग्जामिनर मांग रहा है। What was the amount of interest charged? क्या पूछ रहा है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट नहीं। अब हमारे पास दो फार्मूलाज आ गए ना, इंटरेस्ट ऑन अ लोन, लोन लोन जितनी अमाउंट हम लें वो क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू। Received on January and settled at the end of April. ये लाइन मिलकर हमें N बता रही है। तवज्जो करें, Received on January and settled. Settled mean जब हमने लोन पे कर दिया, रीपे कर दिया। यहां settled का क्या मतलब है? जब आपने लोन रीपे कर दिया। Received on January and settled at the end of April. इसका मतलब है कितने अरसे रहा? January, February, March, April. So N is 4 months. ठीक है, N is 4 months. If the interest rate on the loan 12%, ये क्या है? और 12% पर एनम। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, केयरफुल रीडिंग केयरफुल रीडिंग केयरफुल रीडिंग। क्या गिवन है? पी गिवन है कितना? पी गिवन है 12,500। एन गिवन है 4 मंथ। आर गिवन है 12% पर एनम। क्या निकालना है? इंटरेस्ट। तो कौन सा फार्मूला लगता नजर आ रहा है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर एन का फार्मूला लगता नजर आ रहा है। इस फार्मूला के लिए हमारे पास, इस फार्मूला के लिए हमारे पास क्या प्रीकॉशंस हैं? एक प्रीकॉशन सबसे बड़ी, क्या जी? क्या? शाबाश जी, सोचिए क्या प्रिकॉशन है आपके पास। आर एंड एन मस्ट बी इन सेम टर्म, इसका ख्याल करना है, बस एहतियात इसकी करनी है। आर 12% पर एनम सालाना और एन 4 साल नहीं 4 मंथ। ये ईयर हैं, ये मंथ हैं, सेम नहीं है। R and N must be in same term. Now आप क्या कर सकते हैं? या इसके मंथ बना लें या इसके साल बना लें, एक ही बात है ना। मैं दोनों तरीके से सॉल्व करता हूं, ठीक है? इसके साल बनाता हूं, पहली ऑप्शन नंबर वन। मैं पी आर एन को दो तरह से सॉल्व करता हूं। एक में P कितना है? 12,500 इंटू आर, 12% मीन्स 0.12, इंटू एन 4/12। ये मैंने क्या कर दिया? इसके ईयर बना दिए 4/12, साल बन गए। अब ये भी साल, ये भी साल, बात समझ आ गई। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप अपना कैलकुलेटर निकालिए और उसमें लाकर इसको हम सॉल्व करते हैं। 12,500 इंटू 0.12 इंटू 4/12, तो ये क्या आंसर आ गया? 500 आंसर आ गया। पी आर एन कितना इंटरेस्ट बन गया? 500 रुपीज। कितने अरसे का? 4 मंथ का, जनवरी फरवरी मार्च
अप्रैल। दूसरा क्या कर सकते थे, पीआरएन का फार्मूला लगाएं, लेकिन हम इसका रेट चेंज कर लें, मंथली रेट निकाल लें, 12 / 12 मींस 1% पर मंथ। अब ये भी मंथ, ये भी मंथ। उसूल हमारे पास सिर्फ एक था, आर एंड एन मस्ट बी इन सेम टर्म, या आर को एम के मुताबिक चेंज कर लें या एम को आर के मुताबिक चेंज कर लें। एक चीज को चेंज करेंगे अलाइन हो जाएगा। वो जैसे एक पुराने उसमें खाके लगते थे उसके ऊपर, पीटीवी वाहिद चैनल हुआ करता था, तो उसके ऊपर एक वो खाका लगता था, अलिफ नून के खाके लगते थे, तो उसमें वो एक कपल दिखाते हैं, वो उस वक्त उसे शनाख्ती कार्ड का ऑफिस कहा करते थे। एक कपल जो है वो, जिसे आज आप नादरा कहते हैं, नादरा का ऑफिस, उस वक्त वो शनाख्ती कार्ड का ऑफिस कहलाता था। तो एक कपल जो है वो शनाख्ती कार्ड के ऑफिस में एंटर होता है और जाकर काउंटर पर जाता है, तो सामने वो इंफॉर्मेशन डेस्क पर जो आदमी बैठा होता है उसको मिसेज उसकी बताती हैं कि ये देखें, ये शख्स, ये मेरे हस्बैंड हैं और आपने मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर इनके आगे मरहूम लिख दिया। तो वो ऐसे देखता है, कार्ड पकड़ता है, कार्ड देखता है, कहता है हाँ यार मरहूम लिखा हुआ। वो नीचे डेस्क में से गन निकालता है और उसको शूट कर देता है। अब ये चीज शनाख्ती कार्ड फैक्ट के मुताबिक हो गया। दो ऑप्शन थी ना उस बंदे के पास, एक ऑप्शन थी कि शनाख्ती कार्ड को ठीक करके मरहूम काट देता, उसने बंदा काट के मरहूम कर दिया, ठीक हो गई बात। तो ये आर एंड एन मस्ट बी इन सेम टर्म, तो अब आपकी मर्जी है आपने शनाख्ती कार्ड ठीक करना है या बंदा ठीक करना है, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे के मुताबिक कर लेना है। अच्छा जी, अब हम इधर आते हैं। अगर हमने इसको चेंज किया है तो नाउ पी इज 12,500 इंटू आर इज 1%। नाउ 1% मीन 0.01 डेसिमल, कल के लेक्चर में हमने किया था, इंटू 4, ठीक हो गई बात। अब दोबारा कैलकुलेटर पकड़िए जी आप, 12,500 इंटू 0.01 इंटू 4 इज इक्वल टू 500। ऑब्वियसली दोनों तरह से आंसर तो सेम ही आना है ना। ये वो बात हम बार बार करें, आर एंड एन मस्ट बी इन सेम टर्म, आर एंड एन मस्ट बी इन सेम टर्म, क्लियर हो गई बात। सबसे जरूरी तरीन बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही आप क्वेश्चन पर आए हैं सबसे पहले केयरफुल रीडिंग से क्वेश्चन में से देखिए कि क्या चीज गिवन है, क्या चीज मांगी जा रही है, रिक्वायर्ड क्या है। आप जितना बेटर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे उतना ही बेटर सॉल्व कर सकेंगे आप। अच्छा जी, लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। हाउ मच अमाउंट मिस्टर ए शुड इन्वेस्ट टू रिसीव 75,000 आफ्टर 5 ईयर। केयरफुल रीडिंग। हाउ मच अमाउंट मिस्टर ए शुड इन्वेस्ट, क्या मांगा जा रहा है, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना, प्रेजेंट वैल्यू। टू रिसीव 75,000, ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू। आफ्टर 5 ईयर, ये क्या है, एन। बैंक ऑफर्स 10% पर एनम, ये क्या है, आर। गिवन क्वेश्चन में सबसे जरूरी तरीन अमल, क्वेश्चन को रीड करते 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 आप पहले अंडरस्टैंड करें कि क्या चीज पूछी जा रही है, क्या चीज गिवन है। आपको मालूम है कि दो फार्मूलाज है हमारे पास, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर एन और फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू 1 + आर एन।
अब गौर करें कौन से फार्मूले से कंपेटेबल डाटा हमारे पास मौजूद है, इस फार्मूले से या इस फार्मूले, इस फार्मूला में तो फ्यूचर वैल्यू है ही नहीं जो हमने निकालनी है, गिवन है ना हमें एक फ्यूचर वैल्यू इसने यूज होना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, एन है आर है, चार में से तीन चीजें गिवन होनी थी, एक ये दूसरी ये तीसरी ये चौथी निकालनी। इसका मतलब है फॉर्मूला नंबर वन में तो फ्यूचर वैल्यू यूज नहीं हो रही, ये नहीं यूज होगा, ये यूज होगा। अच्छा जी कैसे यूज होगा करें जी, इसमें डाटा पुट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 75,000 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू हमने निकालनी है इंटू वन प्लस आर एंड एन। पहले देखिए कंपेटेबल है डाटा, आर किस में है ईयर्स में, एन किस में है ईयर्स में, आर एंड एन मस्ट बी इन सेम टर्म। इसका मतलब है कोई कन्वर्जन रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसे यूज हो जाएगा। आर 10% मीन्स 0.1 इंटू 5, ये आ गया 75,000 इज इक्वल टू पी इंटू 1.5। सो पी इज इक्वल टू 75,000 डिवाइडेड बाय 1.5, सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 50,000। मिस्टर ए अगर आज 50,000 इन्वेस्ट कर दे तो इसमें इंटरेस्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी डलते डलते 5 सालों की टाइम वैल्यू ऑफ मनी डल के 75,000 रुपीज इसको मिलेंगे। यानी वो जो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला था, ये मैं एडिशनली कॉन्सेप्ट रेजिंग के लिए आपको कह रहा हूँ, हमने कहा था फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, बाद दफा पी के साथ वी भी लिख देते हैं प्रेजेंट वैल्यू, आमतौर पर हम इन फार्मूलाज में खाली पी लिख रहे हैं, तो पी प्लस इंटरेस्ट। इसका मतलब है फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू है 50,000, फ्यूचर वैल्यू है 75,000, इसका मतलब है इंटरेस्ट हमने 25,000 कमाया, 25,000, ठीक है ना। अच्छा ये जब किसी एक इक्वेशन में एक वेरिएबल अननोन हो तो हम एक तो ऐसे ही जैसे हम क्लास 5, 6, 7 में करते थे ऐसे हमने इसको सॉल्व कर लिया, लेकिन हमारे पास एक इजी टूल भी है। इजी टूल क्या है, इधर देखिए, यहीं पर हमने क्या किया, हमने कैलकुलेटर में भी ये इक्वेशन लिख दी, ठीक है ना, हमने कैलकुलेटर में ही ये इक्वेशन पुट कर दी। कैलकुलेटर में इक्वेशन कैसे पुट करते हैं, मैं ये लिखने लगा हूं, जरा तवज्जो कीजिए, मैंने लिखा 75,000। अब मैंने इक्वेशन वाला इक्वल टू लिखना है कैलकुलेटर में, और अगर आप शिफ्ट के बटन के नीचे देखें तो CALC वाला जो बटन है उसके नीचे बॉडी पर, जब हम कैलकुलेटर को समझ रहे थे, बॉडी पर दो चीजें लिखी हुई हैं। इसका मतलब है ये जो एक बटन है शिफ्ट के नीचे वाला बटन, इसके तीन फंक्शन है, एक तो जो की के ऊपर लिखा हुआ है वो फंक्शन है, एक सॉल्व लिखा हुआ है शिफ्ट के कलर से, और एक इक्वल लिखा हुआ है अल्फा के कलर से, ये वो वाला इक्वल है। इसका मतलब है मैंने क्या किया, कैलकुलेटर पर लिखा 75,000, अब अल्फा और इस बटन को प्रेस किया तो आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है 75,000 इक्वल, ये वो आंसर वाला इक्वल नहीं ले रहे आप, ये नीचे वाला इक्वल नहीं ले रहे, बल्कि शिफ्ट के साथ यहां से इक्वल लेकर आ रहे, ठीक हो गई बात। अब आपने लिखा ये क्या है, ये अननोन है, अननोन को हम आमतौर पर एक्स लिखते हैं कैलकुलेटर में। अब कैलकुलेटर में एक्स लिखने का तरीका क्या है, जरा 9 के ऊपर जो की है ब्रैकेट क्लोज, उसके नीचे बॉडी पर देखें एक्स लिखा हुआ है अल्फा के कलर से, तो दोबारा आप प्रेस कीजिए अल्फा ब्रैकेट क्लोज, तो एक्स लिखा गया, क्या लिख दिया मैंने कैलकुलेटर पे 75,000, अल्फा के बटन की मदद से ये इक्वल लिख दिया, अल्फा के बटन की मदद से मैंने ये एक्स लिख दिया अननोन अल्फा ब्रैकेट क्लोज के बटन से। अब ब्रैकेट प्रेस की 1 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 5 ब्रैकेट क्लोज, ठीक हो गई बात।
अब ये एक इक्वेशन लिखी गई आपके कैलकुलेटर में। अब हम इस कैलकुलेटर को कहना चाहते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो कैसे करना है लिखें अपने पास, स्टेप बना लें, लिखें क्या करना है। अब आपने स्टेप नंबर वन, शिफ्ट का बटन प्रेस करना, शिफ्ट की प्रेस की। स्टेप नंबर टू, उसके नीचे वाली सॉल्व, और फिर नॉर्मल वाला इक्वल का बटन, नॉर्मल वाला, ये नीचे वाला इक्वल का बटन। जरा देखिए क्या हुआ, ये मैंने कैलकुलेटर पर लिखा हुआ है, इसको लिखते हुए आपने मेरे साथ सिर्फ क्या समझा है, ये इक्वल कैसे डलेगा अल्फा की के साथ, ये एक्स कैसे डलेगा अल्फा की और ब्रैकेट क्लोज के बटन के साथ, और फिर ये नॉर्मल ब्रैकेट, और ये हमने लिख दिया। अब क्या करें जी, आखिर में शिफ्ट, उसके नीचे वाली की सॉल्व, और इक्वल का बटन, ये नीचे वाला इक्वल का बटन। तो कैलकुलेटर ने थोड़ा सा एक सेकंड का टाइम लिया, यहाँ कैलकुलेटर समटाइम 30 सेकंड भी लेगा, आपको लगेगा मेरे कैलकुलेटर को कुछ हो गया, हेल्ड हो गया, नाउ कैलकुलेटर वो सारा काम कर रहा है। तो कैलकुलेटर ने आंसर दिया एक्स इज 50,000, हमें रीअरेंज करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। जैसे जैसे आगे चलेंगे इस बात को थोड़ा सा डिटेल में भी बात करेंगे। सो हमें इस सवाल की समझ आ गई, हमने देखा नॉर्मल वे से भी सॉल्व हो सकता था इक्वेशन, क्योंकि अब हमें फाइनेंस में बार बार यूज करनी है, तो हम कैलकुलेटर को इक्वेशन से कैसे सॉल्व करते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें, और थोड़ी डिटेल से और भी कर लेंगे। सो दोबारा सवाल पर नजर डालें, क्या इसकी रिक्वायरमेंट और क्या ये सारी बातें आपको समझ आ गई। अब हाउ मच अमाउंट मिस्टर ए शुड इन्वेस्ट टू रिसीव 75,000 आफ्टर 5 ईयर इफ बैंक ऑफर 10% पर एनम। ओके आगे आते हैं। मिस्टर ए इन्वेस्ट रुपीज 50,000, इन्वेस्टेड मिस्टर ए इन्वेस्टेड रुपीज 50,000, जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। एंड विल रिसीव, जो फ्यूचर में रिसीव करते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू। यही तो सबसे बड़ा काम है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि सबसे मेन आपका काम क्या है, चीजों को अंडरस्टैंड करें। आफ्टर 5 ईयर ये क्या है, एन, ठीक है, ये एन। फाइंड द इंटरेस्ट रेट एट विच अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड, क्या निकालना है, इंटरेस्ट रेट आर निकालना है। अगेन तवज्जो करें, अगेन तवज्जो करें, हमें यह चीज देखने की जरूरत है, हमें यह चीज देखने की जरूरत है कि आर जो है निकालना चाह रहे हैं, तो दो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर एन एंड फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू 1 + RN। देखना है कौन सा फॉर्मूला कंपेटेबल है, कंपेटेबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है, फॉर्मूला नंबर वन लग सकता है, नहीं लग सकता, हमें चार चीजें गिवन होनी चाहिए थी ना, टोटल 3 गिवन, फोर्थ निकालनी है, 1, 2, 3, 4, इनमें से एक फ्यूचर वैल्यू है जो कि पहले फॉर्मूला में नहीं आ रही है, इसका मतलब है ये नहीं यूज हो सकता, फॉर्मूला नंबर टू यूज होना, ठीक है ना, फॉर्मूला नंबर टू यूज होना। अच्छा जी, अगर फार्मूला नंबर टू यूज होना है तो डेटा पुट कर देते हैं यहां पर, फ्यूचर वैल्यू कितनी है जी, 75,000, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है जी, 50,000,
इंटू वन प्लस आर निकालना है, जिसको निकालना है उसको एक्स रख देते ना, एक्स इंटू एन इंटू फाइव। तो वो जो करें जरा मेरे साथ, अब मैंने कहा कि मैं क्यों सॉल्व करूं, कैलकुलेटर खुद ही सॉल्व करे। अभी हमने कैलकुलेटर से सॉल्व करना देखा ना कैसे होगा सॉल्व, तो अब कैलकुलेटर इसको सॉल्व कर लेगा। मैंने क्या करना है, दोबारा कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर को नॉर्मल मोड में रख के, ना इक्वेशन के मोड में ले जाना है ना ना मैट्रिसेस के मोड में, नॉर्मल मोड वन, मोड वन, मोड का बटन प्रेस करें ना तो जो वन है वहां खड़े हैं, मोड वन में खड़े हैं। अब मैं ये लिखने लगा 75,000 इक्वल कैसे लिखना है, अल्फा और शिफ्ट के नीचे वाली की से, ठीक है ना, अल्फा और शिफ्ट के नीचे वाली की। फिर मैंने लिखा 50,000, फिर ब्रैकेट शुरू की, फिर लिखा वन प्लस, अब मुझे एक्स लिखना है, कैसे लिखूं, अल्फा ब्रैकेट क्लोज इनटू मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया फाइव, ब्रैकेट कर दी क्लोज, ब्रैकेट क्लोज भी जरूर करनी। ये मैंने पूरा कैलकुलेटर में लिख दिया, मॉड कौन सा चल रहा है, मॉड वन चल रहा है। अब मैंने इसको सॉल्व करने को कहना है, सॉल्व कैसे करना है, शिफ्ट, शिफ्ट के नीचे वाली सॉल्व की और फिर इक्वल का बटन प्रेस किया, तो आपके सामने आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू 0.1। आपको पता है जब फार्मूला में आर पुट करते हैं तो डेसिमल की शक्ल में पुट करते हैं, लेकिन जब हम आम जिंदगी में बोलते हैं तो परसेंटेज की टर्म में बोलते हैं। या इसका सादा मीनिंग कर दूं, इसको थोड़ा आसान कर दूं आपके लिए, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा देते हैं। पहले हमने 100 से डिवाइड करके परसेंट का साइन रिमूव किया था ना कल, तो अब हमने क्या किया, 0.1 इंटू 100 विच शोज 10% पर एनम। आप कहेंगे सर पर एनम कहां से आ गया, आपको पता है आर एंड एन शुड बी सेम टर्म, क्योंकि ये एनम, ये आपने साल लिखे हैं तो फिर ये भी साल ही होगा ना। अगर मैं यहां मंथ से मल्टीप्लाई करता तो फिर ये मंथ का रेट निकलता, बात समझ आ रही ना, आर एंड एन मस्ट बी इन सेम टर्म। सो इस तरह के हम बहुत सारे छोटे छोटे सवाल बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे अहम बात ये है, हमें सवाल पढ़कर ये बात क्लियर हो जाए कि एग्जामिनर ने हमारे इन दो फार्मूलाज में से कौन से फार्मूला से सवाल बनाया है, ठीक है। एक फार्मूला हमारे पास ये है, हम आमतौर पर इसे फार्मूला नंबर वन कह रहे हैं क्योंकि हमने इसे पहले पढ़ लिया था, बाकी को इसके टेक्निकल नेम थोड़े, इंटरेस्ट का फार्मूला या फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला। तो असल में जो आप अभी स्टूडेंट लेवल पर जिस चीज से डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि पी आर एन तो कॉमन है, पी आर एन तो कॉमन है, तो देखना है बात इंटरेस्ट की हो रही है या फ्यूचर वैल्यू की हो रही है, ये दो बातें डिफरेंस क्रिएट कर रही है। अगर इंटरेस्ट की बात हो रही हो तो फिर ये फार्मूला है, फ्यूचर वैल्यू की बात हो रही हो तो फिर ये फार्मूला है। एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, इस फार्मूला से कितने सवाल बन सकते हैं, चार, उसको मैं कह रहा हूं वेरिएंट, देयर आर फोर डिफरेंट वेरिएंट। कैसे, इधर देखिए, पहला वेरिएंट मैं कहता हूं जी, एक शख्स ने, इधर तवज्जो करें, 50,000 इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, तो बताइए कितना इंटरेस्ट है। तो निकाल सकते हैं ना पी आर एन, बड़ा सिंपल सादा पी आर एन, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 5, आंसर इज 30,000। बात मेरी समझ आ गई है कि नहीं आ गई, ठीक हो गई बात।
पी आर एन, पी आर एन 30,000 इज द इंटरेस्ट। ओके, अब देखिए मैं इसका एक दूसरा सवाल बना लेता हूँ। मैं आपको शुरू में इसको जरा इसके चार वेरिएंट बना के दिखाता हूँ। दिस वॉज वेरिएंट वन जिसमें आपने इंटरेस्ट निकालना था। अब मैंने एक दूसरा सवाल बनाया, मैंने कहा जी एक शख्स का 50,000 इन्वेस्ट किया है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम और उसने इंटरेस्ट कमाया है 30,000, जरा तवज्जो करें, तो बताइए उसने कितने अरसे के लिए पैसे इन्वेस्ट किए थे। तवज्जो रखें जरा, फॉर्मूला यही लगना है, इस दफा अननोन बीच में से एन है तो हम एन की वैल्यू निकाल देंगे, आई गिवन हो गया, चार में से तीन चीजें गिवन होंगी, क्या ख्याल है, कर लेंगे ना। अब आप n निकालेंगे तो ये 5 आंसर आ जाएगा, ऑब्वियसली यहां पुट कर देंगे n निकाल लेंगे। ओके, इसका थर्ड वेरिएंट, इसका थर्ड वेरिएंट क्या हो सकता था, एक शख्स ने 50,000 इन्वेस्ट किया और 30,000 रुपया इंटरेस्ट कमाया 5 सालों में, बताइए किस रेट पर उसने इन्वेस्ट किए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो भाई, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। एंड द फोर्थ वेरिएंट इज, एंड द फोर्थ वेरिएंट इज, एक शख्स ने इंटरेस्ट कमाया है 30,000, 5 सालों में एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, बताएं उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, बताएं उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, इसको हम कह रहे हैं वेरिएंट, क्या ख्याल है। यानी एक ही बात को चार अंदाज से एग्जामिनर पूछ सकता है। 1, 2, 3, 4 एंड इन द सिमिलर मैनर ये सवाल भी चार तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहां रुकते हैं क्योंकि फाइनेंस है जरा थोड़ा सा ग्रेजुअली, एक दफा हम आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना चाह रहे हैं तो जरा आपने लाजमी, बिल्कुल लाजमी यहां वीडियो को पॉज करके ये चारों बातों को नोट करें, इसको सॉल्व करें एंड मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर कि ये एक ही बात हो रही है, एक ही फॉर्मूले के चार वेरिएंट हैं, चार सवाल बन सकते हैं, रोज रोज हमने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्या है, टर्मिनल वैल्यू क्या है, इसके ऊपर आज हमने गुफ्तगू की है, कोशिश की है आर एंड एन शुड बी इन सेम टर्म, इसको भी क्लैरिफाई करें, थोड़ा सा वैल्यू ऐड की है कि जी कैलकुलेटर की मदद से अननोन वेरिएबल कैसे कैलकुलेट हो जाता है, तो ये सारा काम हम कैलकुलेटर की मदद से ही कर सकते थे, मैन्युअली भी कर सकते थे, 6th class, 7th class का मैथमेटिक्स है। तो मैंने जैसे कल कहा कि बड़ा अहम टॉपिक हमने शुरू किया हुआ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ यूर क्यू एम फाइनेंस पोर्शन, तो बच्चे आपने इसको बड़ी तवज्जो के साथ काम करना है, ठीक है ना। और अभी फिलहाल आपने कुछ एडिशनल काम नहीं करना, जो मैं नोट्स दे रहा हूँ वो, जो मैं क्लास में काम करवा रहा हूँ वो, या जो आई कैप आपके पास क्वेश्चन बैंक है वो भी जब मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन करना, इसके अलावा आपने कोई और डॉक्यूमेंट अभी यूज नहीं करना। जब फाइनेंस खत्म हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप कुछ चीज़ें मेरे साथ लर्न कर चुके होंगे, फिर उसके बाद आप जहां से मर्जी चाहेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी कोई एडिशनल क्वेश्चन आपने मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं पूछना, सिवाय उनके जो मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है।
फाइनेंस पढ़ते हुए ज़रा हमने पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना है, उसके बाद आगे चलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जी यहाँ से आगे चलेंगे, कल होती है मुलाकात इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।